Good morning, students. So how are you all? So welcome to the second class of for the topic Bhartiya Nritya Kala for standard 7. Okay. So now Bhartiya Nritya Kala, we already did five points. So Bharatvarsh mein this point 1, point 2, point 3, point 4 and point 5. We did till संगीत को अंग माना गया है तो संगीत की आत्मा को लय यहाँ तक हमने पार्ट वन में किया था बेटा. Now let us start with part two quickly. Part two we start from the sixth point. भारतीय नृत्य कला का वास्तविक अर्थ है लयबद्ध अंगों के संचालन द्वारा भावों को प्रदर्शन करना. अब भारतीय नृत्य कला का मीनिंग क्या है, वास्तविक अर्थ मीन्स प्रेजेंट मीनिंग क्या है, उसका प्रेजेंट मीनिंग है लयबद्ध अंगों के संचालन. लयबद्ध अंगों के संचालन मतलब अंग मींस बॉडी, लयबद्ध मींस इट हैज टू बी ताल, इट हैज टू हैव ताल, इट हैज टू हैव रिदम. तो रिदम और ताल के हिसाब से डांस किया जाता है. विदाउट रिदम डांस इज इम्पॉसिबल. तो लयबद्ध अंगों के संचालन द्वारा भावों को प्रदर्शन करना. भाव इन द सेंस यू नो इमोशंस, इमोशंस भाव इन द सेंस इज व्हाट, नथिंग बट you know emotions which comes from inside. So that is the reason लयबद्ध अंगों को के संचालन द्वारा भावों को प्रदर्शन करना. So भारतीय नृत्य कला का वास्तविक अर्थ है लयबद्ध अंगों के संचालन द्वारा भावों को प्रदर्शन करना. Now seven is भारतीय संस्कृति में नृत्य को धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्वता प्रदान की गई है. अब भारतीय संस्कृति means Indian culture. इंडियन कल्चर में डांस को धार्मिक इन द सेंस, धार्मिक इन द सेंस विच इज एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पूजा. यू नो हम बहुत धर्म को मानते हैं इंडिया में, तो धार्मिक उसे कहते हैं. एवं आध्यात्मिक, नाउ व्हाट इज आध्यात्मिक, आध्यात्मिक इज नथिंग बट एजुकेशनल, आध्यात्मिक इज नथिंग बट स्टडी, आध्यात्मिक इज नथिंग बट एकेडमिक्स यू कैन से यस. सो भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर में नृत्य को धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्वता प्रदान की गई है. दैट मीन्स इंडिया में इंडियन कल्चर में डांस को धार्मिक के साथ साथ मतलब एक एक डांस नहीं होके वो एक पूजा है. दैट इज द रीजन हमने शायद बेसिक में एक भूमि प्रणाम सीखा था. तो दैट इज नथिंग बट डांस इज नथिंग बट वर्शिप चिल्ड्रन. एंड दैट इज द रीजन व्हेनेवर यू डू इट यू हैव टू डू इट विद कंप्लीट डिवोशन. डिवोशन नहीं डालोगे तो डांस नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर. सो धार्मिक एवं आध्यात्मिक मतलब इट इज आप ये पढ़ रहे हैं, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू योर करिकुलम. एम आई राइट? इट इज वेरी मच रिलेटेड टू योर करिकुलम. दैट इज द रीजन आध्यात्मिक महत्वता प्रदान की गई है. नाउ पॉइंटर एट इज अबाउट हमारे देश में नृत्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझा जाता बल्कि इसे ईश्वर उपासना का वस्तु माना जाता है. सी in today's world it is not wrong children that we you know take dance as entertainment. Entertainment is not a bad word in today's world, but purane zamane mein manoranjan ko ek alag roop dekha jata tha. Logo ki soch alag thi, logo ke khayalat pichde hue the, you know performing arts aur in sab ko leke unless and until aap usko mandir mein nahi karo, aap dance ko yahan wahan karne se bura samjha jata tha. But wo bahut purani baat hai. But aaj ke generation mein through entertainment world is becoming so vast and huge, entertainment is very important. So entertainment via television, entertainment via WhatsApp, via Facebook, Instagram, so entertainment is all about that. So that is the reason हमारे देश में केवल नृत्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं समझा जाता बल्कि इसे ईश्वर उपासना का वस्तु समझा जाता है. इसलिए क्लासिकल डांस को लोग रिस्पेक्टफुली देखते हैं, क्लासिकल डांस को लोग रिस्पेक्ट देते हैं बच्चों, देन बॉलीवुड एंड बी बॉइंग एंड वेस्टर्न डांस. मार्क माय वर्ड्स, आप कभी भी नोटिस करना अगर आप फोक डांस या क्लासिकल डांस प्रेजेंट करें, लोगों का देखने का एक मतलब नजरिया ही चेंज हो जाता है आपके तरफ. नाउ We take the last pointer, that is यह देवताओं से उत्पन्न कला है. हाँ, यह देवताओं से उत्पन्न कला है. अगर आपने फोक डांसेस में पढ़ा होगा तो ये शिव जी, पार्वती जी, कृष्ण जी, इन सब से ये कला बनी हुई है. दैट इज द रीजन
इसको बोलते हैं कि यह देवताओं से उत्पन्न कला है। द्वारिका महात्मा में कहा गया है, नाउ द्वारिका महात्मा इज अ नॉवल, में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अत्यंत भक्ति के साथ, भाव के साथ नृत्य करता है उसके